अर्जुनी ये पड़ता है प्रॉपर बलौदा बाजार जिला, जो जिला मुख्यालय है उसके थोड़ा से आगे गांव है अर्जुनी करके, वो हम लोग वहीं पर हैं अभी। और यहाँ पर हम लोग ठेका लिए हैं और हमारा जो ठेका लेने का सिलसिला कंटिन्यू बढ़ रहा है। हमारी ग्राहक इतनी अधिक हो चुकी है कि हम अपना दिन और रात भी अगर काम करना चाहे तो ठेका का काम पूरा नहीं कर सकते, इतनी हमारा भी काम ज़ोर शोर से चल रहा है। हाँ, आप लोग भी यदि ठेका में हमको काम देना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल कर सकते हो, हम इस सीज़न में नहीं तो अगले सीज़न में ही सही हम आपका काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार ये जो फ्री फंड वाले हैं ना, दिन भर फ़ोन लगाते रहते हो, किसी भी टाइम हम लोग फ़ोन लगा देते हो, आधे रात में फ़ोन लगाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतना भाई, क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं। हाँ, ये तो आप थोड़ा सा सावधानी रखो भाई, और शाम को लगाया करो, दिन भर घन 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 चलता रहता है तो कोई मज़ा नहीं आता। तो अभी हम लोग काम में, जैसे कभी काम में इसी तरह से अभी हमारा काम रात और दिन चल रहा है, सीजन नहीं है, तो फिर हम इस खेत में कितने में क्या है, कितने पानी मिलेगा नहीं मिलेगा इस अर्जुनी गांव के एरिया में, क्योंकि ये जो एरिया है पूरी ड्राई एरिया है ना, यहाँ पर भी कई बोर पहले हो चुके हैं, इधर के कई जानकार लोग धूल उड़ा चुके हैं। तो अब हमारा नंबर है, तो हम क्या यहाँ धूल नहीं उड़ाएंगे, यहाँ पर पानी निकालेंगे, क्योंकि हम ठेका ले रहे हैं। तो चलो भाई हम चलते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन है, पानी निकलेगी तो ठेका हो लेंगे, हमारा ठेका होता है HP गुनित पैसा, जो भी हमारी राशि तय होती है उसके हिसाब से हम तय कर लेते हैं। तो भाई चलिए हम देखते हैं पानी है कि नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग देखते रहो, मॉनिटरिंग करते रहो यहाँ पर कितनी धार मिलती है, धार मिलती कि नहीं मिलती है, यदि 2-3 धार मिली तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, पॉइंट कहाँ पर देंगे, इन सब बातों को हम डिटेल बताते जाएंगे भाई। तो चलो चलते हैं। तो पहले आप लोग ये देख लेना यार कि नारियल में पानी है कि नहीं है, अच्छा पानी हो उसी नारियल को लेना। दूसरी चीज़, जो पेड़ से लगा वाला हिस्सा रहता है उसको ऐसे रखना है, इस वाले हिस्से में नारियल इधर आए तो पानी है, उधर चला जाए ना बाहर चले जाए तो ड्राई है, इस बात को ख्याल में रखना, ठीक है। इसको चाहे आप ऐसे रखो या ऐसे रखो, कहीं पर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी रहेगा ज़मीन में धार बहती रहेगी, वहाँ पर नारियल ऑटोमेटिक खड़ा ऐसा हो जाएगा। तो चलो भाई, पहला कदम उठाने से पहले देख लेना, आगे बढ़ने से पहले अपने कदम को खड़े हो वहीं पर से देख लेना कि वहाँ पर ड्राई है कि क्या है। देखो हम खड़े यहीं पर है, देखो पूरा एकदम सावधान पोजीशन में खड़े हुए हैं भाई, देख लो ये, और यहाँ पर ये कदम बढ़ा रहे हैं ना, तो नारियल देखो हम कदम बढ़ा रहे हैं इधर थोड़ा, देख लो फिर आगे हमारा पूरा कदम पहले जैसे पोजीशन में, अब फिर हम बढ़ा रहे हैं, देखो नारियल ये देखो, ये देख लो भाई, देख लो ये, इसका मतलब यही कि यहाँ पर ड्राई है, ड्राई है यहाँ पर, देखो बाहर जा रही नारियल, तो क्या यहाँ पर ड्राई है, हम ड्राई एरिया में ही आए हैं, किसान जिन्होंने हमको बुलाया है उसको पहले से पता है, उनके खेत में कई धूल उड़े हैं, कई पॉइंट फैल हुई है उसका, है ना, तो हमको बुलाए हैं, अब हमारा नंबर है, लेकिन हम यहाँ पर धूल नहीं उड़ाएंगे क्योंकि हमारा पैसा लगेगा, सही बात है ना, जहाँ खुद की पैसा लगता है वहाँ तो और सावधानी से काम करना पड़ता है, प्रतिष्ठा प्लस पैसा दोनों जुड़ी होती है वहाँ पर, है ना। तो देखो पूरी ड्राई है, पूरी 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 ड्राई है, पूरी ड्राई है, ये हल्का फुल्का लूप लाप कर रहा है, इससे कोई काम बनना नहीं है, ड्राई में ही आएगा ये, देखो ये देख लो भाई, ये ड्राई है, इधर थोड़ा बहुत है हल्का से पतली धार, जिसको हम लोग ये बोलते हैं ना अमूमन जीरा है, वैसी टाइप से, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, देख लो ये ड्राई है, अगर पानी होती तो इस किसान का किस्मत कब के जग गया होता है ना, यहाँ पर हरी भरी लहलाती फसलें होती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये थोड़ा सा हाथ वजन दे रहा है, वजन क्या है, ज़्यादा समय तक उठा है, इस वाला वजन है, पानी वाली वजन नहीं है ये, हाँ। तो चलो देखते हैं, ये देख लो भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये पूरा ड्राई है, पूरा में पूरा ड्राई है, पूरा में पूरा ड्राई है,
ये जो अर्जुनी गांव का जो इलाका है इधर, जो करमदा है और बहुत सारा गांव है इधर, ये ड्राई एरिया में आता, ड्राई बेल्ट है ये। लेकिन किसान प्रयास कर रहा है कहीं तो कहीं मिलेगा, कहीं ना तो कहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, लेकिन अभी तक उसको नहीं मिला है। अब हमसे उम्मीद जगा है उनका, तो देखते हैं पानी है कि नहीं है। पानी रहेगा तो बढ़िया बता देंगे, क्योंकि अपने को भी फायदा है उससे, है ना। पार्टी तो करोड़पति है यार, पैसे के लिए उसके पास दिक्कत नहीं है, 2 लाख बोलोगे 4 लाख देगा, वैसा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बात पानी की है। पानी मिल जाए तो उनकी किस्मत जग जाएगा और हमारे जेब में भी पैसा भरेगा यार, है ना। तो फायदा दोनों को है, हमको अभी फायदा होगा तो उनको लॉन्ग टाइम तक फायदा होगा, तो फायदा तो होना ही है। पानी निकल जाए ना तो सौदा चाहे 2 लाख का करो 4 लाख का करो, घाटा का नहीं होता, फायदा का ही होता है। तो देखो हम उधर सीधा आ चुके हैं, बहुत बड़ा हिस्सा घूम चुके हैं, पानी अभी तक हमको नहीं मिली है। हाथ दुखता है, ये जो 2.5 किलो का हाथ है ना यार, दुखता है नारियल पकड़े पकड़े। और पानी रहता है इधर उधर, हिलोरा मारता रहता है ना, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। सूखे खेत में चलो तो ज़्यादा दुखता है। अब क्यों दुखता है भाई, इसका एनालिसिस करेंगे कहाँ पास, है ना, अगली वीडियो में। इस वीडियो में देखते हैं कि आप पोजीशन है, अभी तक तो कहीं पानी नहीं मिली है, बिल्कुल ड्राई है। देख लो बाहर की तरफ जा रही है नारियल, इधर तो और बाहर जा रही है और बहुत ज़्यादा ड्राई है इधर तो, है ना। इधर क्या सीमेंट फैक्ट्री वाला एरिया है, यहाँ कुछ नहीं, इधर तो पूरी पूरी ड्राई है, पकड़ते ही नारियल बाहर जा रहा है। देख लो ये, हम इधर भी पहुँच जाते हैं पूरा, देख लो ये, देख लो भाई इधर बाहर जा रही है, तो यहाँ कुछ नहीं है। मुझे देखो ये बाहर जा रही है, किसी को कई पानी जांच करने वाले क्या बताया था, नारियल गिर रही है उधर पानी है, नारियल गिर रही है मतलब पानी है। यहाँ तक तो पीछे पीछे देखो, यहाँ तक तो नारियल बाहर जा रही ड्राई है, लेकिन यहाँ नारियल बैठ जा रही है आके, पीछे कदम में नारियल बाहर की ओर जा रही, मतलब ड्राई है। हम जैसे दो कदम एक से दस कदम चल रहे हैं, देखो ये बैठ गई, मतलब ये है इधर कहीं पर नमी है या पानी की गुंजाइश है। देखते हैं कितना पानी मिलता है, कि खाली नमी है या कीचड़ है, है ना। देखो ये हाँ वहीं पर हल्का से मिला, कहीं होगा ऐसा ऐसे हल्का फुल्का वहीं पर मिला, उसके बाद फिर ड्राई आ गई। तो उसका कारण क्या है कि हम उधर जब स्टार्ट किए ना, हल्का फुल्का उधर भी हुआ था लुटलाप, तो ये पानी की पतली धार निकल गई है सीपेज के रूप में, है ना। तो देखो ये चारों तरफ खेत को घूमो तो उसका फायदा यही रहता है, इधर की नमी बता रहा है ना। ये अलग है, ये धार अलग है ना, पतली है ये भी लेकिन अलग है। और पतली पतली करके हम दो मोटी भी बना सकते हैं ना इधर भी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों का पानी शेयर करना है तो कर देंगे, कम से कम इसको 1.5-2 HP का पानी मिल जाएगा भाई, है ना। तो चलते हैं इधर क्या पोजीशन है, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, इधर आ जाओ भाई। इधर पानी है देखो, इसको पूरा हम देखते हैं कि कहाँ पर है, है ना। पानी इधर है, रुक जाओ भाई, इधर पोजीशन छोड़ी है नारियल, मतलब एक बार फिर देखते हैं। हाँ देखो इस हिस्से में है पानी, पानी जो है इस हिस्से में है, पानी जो है इस हिस्से में है, तो पानी उधर से आई होगी और इधर से एकदम कहीं से आप इधर से मुड़ी हुई है पानी जो धार है, क्योंकि देखना ये। हाँ तो देखो ये तो ये जो पानी है ना, अब इसको बताऊँ कैसे,
लीजिए पानी यहाँ पर है, देखो ये वाले बिन, ये पानी इस वाले बिंदु में है भाई, देख लो ये नारियल भी देख लो, ये फंस रहा उधर, ये तो पानी जो है ना यार, देखो ये इस वाले पोजीशन में यहाँ पर, ये क्या है, बोरहूर है, भीमभोरा लोग बोलते हैं, भीमभोरा में नहीं, कहीं कहीं पानी भीमभोरा में भी रह जाती किनारे में, है ना, कि किनारे में है, एक खेत में ही है, कई लोग क्या बोलते हैं भीमभोरा में पानी निकलता है, तो ये धोखे से कहीं कहीं क्रॉस हुई होती है, लेकिन सब भीमभोरा में पानी नहीं मिलता। देखो ये इसको गड़ाया हो ना ये लकड़ी, तो यहाँ पर तेज़ी से ले रहा है पानी, यहाँ पर है ये देखो ये, हाँ पानी यहाँ पर है किनारे में, देख लो भाई कहाँ पर है, इसलिए मैं वो इधर हलचल हो रही थी कहाँ पर है कहकर, हाँ इधर ये हलचल है ना, हाँ ये पानी की पोजीशन इधर है, पानी की धार उस खेत में है, उधर से है पानी, अब इधर क्या है उसको भी देख लेते हैं, इधर हाँ ये इधर पानी है, मतलब पानी उधर से आई हुई है, इधर से यहाँ पे टर्निंग होकर इधर निकल गई है, इस साइड में नहीं बढ़ी है पानी, ठीक है। देखो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको पूरा, एक एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखो ये जगह में हम पहुँच जाते हैं, क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ये ड्राई बेल्ट है, ड्राई बेल्ट में पत्थर कठोर है, सीमेंटेड एरिया ये, तो उसे वो क्या है पानी से मुड़ी मुड़ी भगती है, एकदम सीधी नहीं होती, जैसे कि गीली मिट्टी होती है या पीली मिट्टी होती है ना, उस एरिया में सीधी भग जाती है पानी, लेकिन इस तरह की जो कठोर वाली होती है यहाँ कटती कटती वो निकलती है, इसीलिए है ये, कहीं पानी एक कदम में लग रहा है एक कदम में छोड़ रहा है ये इधर, तो ये है पोजीशन, हाँ इधर है ये देख लो भाई, ये मेरा पैर, ये वाला पोजीशन है, इधर 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 दूर जाओगे पानी कम होगा, पानी इधर से आई है कहीं, और इधर से ये इसकी मेन पोर्स इधर है, इस खेत में मिलेगा ज़्यादा पानी, वो दूसरे का है, लेकिन आपको एक बार और दिखा देता हूँ, देखना ये देखो ये इधर क्या है, खड़े होते नहीं बार रही है ये, ठीक है, तो ये है असली पानी का जगह, यहाँ पर पानी आराम से 3-3.5 HP का चलेगा। अब हम लोग इधर चलते हैं, अब वो दूसरे का खेत है उसमें, वहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको जाके देख रहे हैं, एक मिनट में आप यहीं पर रहना यार, मैं देख लेता हूँ क्या है पोजीशन, है ना, इधर क्या है ये दूसरे किसान का खेत है, ये मैं यहाँ से आ जाता हूँ इसका, तोड़ नहीं रही नारियल, मतलब ये है इधर से आई है इधर, और इधर पतली पतली होके निकल गई है, मतलब ज़्यादा पानी की धार इधर है, और इधर इसको हिडअप मिल गया, ऊंचा पत्थर चट्टान मिल गई, तो आगे नहीं बढ़ी, वो पानी इधर से कहीं आके और इधर से हो गई वो, ठीक है, या पानी इधर से बह रही है उसकी एक हिस्सा यहाँ पर आई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर पानी है, आपको पॉइंट मिल गया है, इसको अलग से और पॉइंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता रहे थे कि उधर पतली पतली सीपेज गई है ना, तो इसी धार की है जो सीपेज गई हुई है वो, और एक्स्ट्रा कहीं से पानी की सीपेज नहीं है, एक ही धार है, और वहाँ आई साइड में और कहीं पर भी कोई पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे ये ड्राई लग गया थी। तो पूरी पूरी ड्राई है, देखिए पूरी पूरी ड्राई है, देखो यार सोरी भाई वो कैसे कैसे जगह नहीं चलना पड़ता है, लोग बोलते हैं पानी जांच कर लो सोरी भाई, आ जाओ सोरी भाई आधा रात को आ जाओ, देख लो भाई गाँव में इतने बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, है ना, इधर कुछ नहीं, इधर पूरा ड्राई है, इधर पूरा में पूरा ड्राई है, हम वहाँ तक भी जाके दिखा देते हैं यार, इधर पूरा में पूरा ड्राई है, कुछ नहीं इधर, इधर पूरा में पूरा ड्राई है, देखो इधर पूरा में पूरा ड्राई है, देखो कैसे चलना पड़ता है भाई, देख लो, और जो लोग जूता चप्पल पहन के चलते हैं ना यार, उसे हवा नहीं लगेगा, ये देख लो, देख लो देख लो देख लो भाई,
इधर बड़ा बड़ा कांटा खूंटी भी है यार ये इधर पूछ रहे। लेकिन हमारा दायित्व है जिस खेत में भी चलते हैं है ना, शुरू करते हैं काम वहाँ पूरा घूमते हैं है ना। देखो बस रामायण में वही बात याद आती है ना, सबरी की हमेशा एक ही उनकी धारणा थी, वो फूल रोज तोड़ कर लाती थी और यही बोलती थी ना जाने कब मेरे राम आ जाए है ना। सबरी हमेशा वैसी बोलती थी, सबरी माता जो है वैसी बोलती थी। तो वैसी मेरा धारणा रहता है ना जाने किस कोने में गंगा मैया आके चली जाए, किस कोने में आ जाए कोई पता नहीं रहता भाई है ना, कोई नहीं जानती। इसीलिए घूम कर देखो और मैं इसीलिए घूमता हूँ भाई, बस सबरी की वही बात याद है मुझे, ना जाने कब राम आ जाए और फूल तोड़ कर रोज लाती थी। ऐसी मेरा भी धारणा है ना जाने कब कहाँ पानी मिल जाए, किस कोने में मिल जाए। तो मेरा भी प्रयास रहता है हर कोने में घूमूं, किसी और पानी जांच करने वाले तरह मैं यहाँ वहीं मिल गया हूँ बता दिया चला गया, मेरा ऐसा नहीं है। मैं पूरा जहाँ से शुरुआत किया रहता हूँ इंड भी वहीं पर करता हूँ है ना। तब तक चाहे मेरे पैर में कांटा गड़े किला चुभे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं चलता ही रहता हूँ। आप लोग वीडियो में भी देखे, कई वीडियो में ऐसा है मेरा खून बहता रहता है फिर भी मैं काम नहीं रोकता, चालू हो गया तो चालू हो गया ऐसा। इधर पूरा ड्राई है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, देख लो इधर कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है। तो यार हम जहाँ पर आए थे जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर फिर आ गए हैं, अपना शुरुआत किए वहीं पर हम आ गए हैं, हमारी पोजीशन अब बदल गई है। तो यार इस वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया कि भाई ठेका लेते हैं तो किस तरह से मेहनत करते हैं हम। खैर मेहनत करते हैं, यदि कोई बुलाया जाते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन ठेका में हमारी जवाबदही कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि पैसा भी हमारा लगता है, समय भी हमारा लगता है और पेमेंट वर्कर को भी हमें ही करना पड़ता है। तो यार हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना, और हाँ आप लोगों को अगर ठेका में कोई पॉइंट कर पाना हो तो हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करना, हम हर समय हाजिर हैं। लेकिन यार ये जो फ्री फंड वाले हैं ना यार, दिन भर फ़ोन मत लगाते रहना भाई, क्योंकि हमें कई नंबर को ब्लॉक करना पड़ जाता है, इतना तरी ऊपर फ़ोन लगाते हैं ना कि हमारा भेजा भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमको भी काम करना पड़ता है, हमको भी कई तरह के काम निपटाना होता है। तो भाई आप लोग इस तरह से सावधानी बरतें थोड़ा से है ना। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं यार, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, जय जोहर।